स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये टीचर लेकर के आया है आपको कुछ नई चीज सिखाने के लिए, जिसमें हम एक्चुअली आपको आज सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक रस्सी से अलग अलग मेजर हम एरिया को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, मैं अपने कुछ तीन लोगों को मैंने रस्सी दी है, देखते हैं वो उससे कितना कितना एरिया कवर करके आ रहे हैं। और उनको मैंने रस्सी दी है 44 मीटर लॉन्ग, ये एक रस्सी मैंने उनको दे दी है, देखते हैं वो इससे कितना एरिया कवर करके आ रहे हैं और कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा एरिया कवर करके लेकर के आएगा। अरे हर्ष, आपने इस रस्सी से कितनी जमीन को मेजर किया बच्चे? सर, आपने जो मुझे एक 44 मीटर लंबी रस्सी दी, उससे मैंने एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर जमीन नाप ली है, जिससे मुझे 120 मीटर स्क्वायर जमीन मिल गई है। वाओ, आपने कितनी जमीन मेजर की उस 44 मीटर लंबी रस्सी से? सर, मैंने इस 44 मीटर लंबी रस्सी से स्क्वायर यानी वर्गाकार जमीन नाप ली है, मुझे तो 121 वर्ग मीटर जमीन मिल गई है, जो हर्ष से तो अधिक है। अरे विश्वास ने तो हर्ष से भी ज्यादा जमीन मेजर कर ली। और माही, आपने कितनी जमीन मेजर की उस रस्सी से? सर, मैंने तो उस रस्सी से सर्कुलर जमीन नाप ली है, पर मुझे तो 154 मीटर स्क्वायर जमीन मिल गई, जो हर्ष और विश्वास दोनों से कई अधिक है। बच्चों, अब एक ही रस्सी से आपने अलग अलग मेजर किया, क्योंकि आपकी शेपें क्या थी, अलग अलग थी। सर, ये हुआ कैसे? रस्सी तो सेम थी, लेकिन जमीन अलग अलग कैसे? आपको अब मैं समझाता हूं इसके बारे में कि आखिर ये होता कैसे है। पैरामीटर हमारा सेम रहता है, लेकिन उस पैरामीटर के साथ जब हम शेप बदल देते हैं तो वो एरिया कवर जो करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया कवर करता है। एरिया मींस होता है ये जगह, और पैरामीटर मींस होता है अगर एक चींटी यहां से चलना शुरू करती है और वापस ऐसे करके और वापस यहां आ जाती है, इसको पैरामीटर यानी परिमाप कहते हैं। और इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने रस्सी की हेल्प ली है यहां पर। तो एक रस्सी मैंने इन तीनों बच्चों को दी, और उन तीनों बच्चों ने, जो सबसे पहला बच्चा था हर्ष नाम का, उसने उस रस्सी से रेक्टेंगुलर यानी लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में 44 मीटर लंबी रस्सी को यहां से स्टार्ट करा, ऐसे गोल इस तरीके से ले जाते हुए वापस यहां ले आया, और ये 44 मीटर लंबी रस्सी उसने यूज की, तो उसका ये एरिया कवर हुआ। और ये एरिया उसके अकॉर्डिंग आया है 120 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ है मैं वो भी बता देता हूं। उसने लेंथ 12 यूज की है एंड ब्रेथ जो है वो 10 यूज की है, तो इसका पैरामीटर हो गया 44। अब उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर हमारा बच्चा है विश्वास, उसने इसकी शेप जो है वो स्क्वेरिकल ले ली। इट्स मीन कि जो रस्सी है वो अभी भी 44 मीटर लंबी है। इट्स मीन 11, 11, 11 एंड 11 है ऑल्सो, तो ये लीजिए 11। तो इसने जो एरिया कवर किया वो 121 किया, और ये बड़ा ही खुश था कि इसको हर से ज्यादा जमीन मिल गई। इसका मीन ये निकलता है कि रेक्टेंगुलर अगर कोई हम एरिया कवर करते हैं सेम पैरामीटर से, तो उससे ज्यादा स्क्वेरिकल एरिया होता है। अब आ जाते हैं हम माही वाले पर। माही ने सर्कुलर यानी एक सर्कल शेप में, जिसका सर्कमफ्रेंस 44 था, क्योंकि रस्सी तो 44 मीटर ही लंबी थी, उसने इसको सर्कल फॉर्म में एरिया कवर किया, तो इसको सबसे ज्यादा एरिया मिला, जो था 154 मीटर की स्क्वायर। तो इन बातों से हमें यह पता लगता है कि सेम पैरामीटर होते हुए भी अगर हम शेप अलग लेते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, तो हमें सेम पैरामीटर से हमें एरिया सबसे ज्यादा सर्कल में मिलता है, उससे कम स्क्वायर में, और उस सबसे कम हमें वो मिलेगा रेक्टेंगल में। तो बच्चों, अब समझ आ रहा होगा कि जरूरी नहीं है जितना हमारा पैरामीटर है तो उससे हम सेम एरिया कवर कर सकते होंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने ये मेंसुरेशन से रिलेटेड पार्ट है और ये छोटे से लेकर के हमारी जीरो से हीरो वीडियो के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आएंगे आपके लिए।